नमस्कार गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज 2 बजे कोई वीडियो कोई व्लॉग नहीं आया, क्योंकि ना कल बहुत ज़्यादा मूड ख़राब था। और मूड अपने लोग ही ख़राब करते हैं, हमारी फैमिली ही ख़राब करती है। बस सबसे बड़ी गलती ये हुई कि सबको YT पे ले आया मैं, सबसे बड़ी गलती। अगर मैं YT पे नहीं लेके आता तो अगर घर में कलेश भी होते तो हम फ़ोन पे शॉर्ट आउट कर लेते। पर आजकल क्या ना, अगर कोई भी छोटे मोटे बात होती है तो व्लॉग में उठा के बोल देते हैं, जो बिल्कुल गलत है। अगर आपकी फैमिली का लड़ाई झगड़ा कलेश कुछ भी होता है, आप आपस में बैठ के शॉर्ट आउट करो। और हर घर में होता है, ये थोड़े कि किसी घर में नहीं होता। तो कहानी ये थी कि 4 तारीख को मैं कॉल करता हूँ भाभी को, और मैं बोलता हूँ भाभी, गुस्से में था मैं बहुत, क्योंकि ना मेरे 10 से 12 कॉल नहीं उठाए गए। तो मैं बोला, फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे तुम मेरा? तो अरे, मतलब उनका जो वे ऑफ टॉकिंग है ना, वो ऐसा रहता है हर टाइम इरिटेट वाला, कि सामने वाले पे एहसान कर रहे बात करके। तो उसने मुझे बोला कि देखा नहीं था, दिखा नहीं था, साइलेंट था, ये वो एक्स वाई ज़ेड। मतलब कम से कम फ़ोन तो उठा लिया करो। मेरी क्या आदत है, जितने भी लोग हैं मेरे जानकर कोई भी पूछ लेना, मैं फ़ोन को बहुत प्रायोरिटी पे रखता हूँ। अगर मिस कॉल भी हो तो मैं बैक कॉल कर लेता हूँ। अगर मैं सो रहा होता हूँ तो कॉल ट्रांसफर होता हूँ कि भाई कोई भी कॉल मिस ना हो, घर वालों की या फिर कहीं बाहर वालों की। मेरे पास 20 से 25 नंबर है फ़ोन में, और मैं सबसे बात करता हूँ, जो उसकी मिस कॉल आ जाए या फिर कुछ भी आ जाए। और ये पूछ लेना जितने लोग मुझे जानते हैं। तो भाई कोई जवाब नहीं आया। ऐसी ही चीज़ें सुनीता भी करते। सुनीता को जब मैं फ़ोन करता हूँ तो उठाती नहीं, जब उनको काम होता है वो उठा लेते हैं। मैं ये बुराई नहीं कर रहा, मैं लापरवाही कह रहा हूँ, किसी की बुराई नहीं कर रहा। अब जैसे मुझे सपना से बात कर रही है, तो सपना ने भी मेरा नंबर अब तक ब्लैक लिस्ट में ही डाला हुआ है। तो मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, मैं उनकी आदतें बता रहा। तो भाई कह रहे सो रहे थे, ध्यान नहीं दिया। मैंने बोला नशा मुक्ति वाले का नंबर दो मुझे, कालू को नशा मुक्ति से बाहर निकालना है। और जैद का बर्थडे, और मैं चाहता हूँ कि पूरी फैमिली मिक्स हो जाए, मिल ले जुल ले, और कलेश लड़ाई झगड़ा ख़त्म करें। जिस मुकाम पे मैं हूँ, मैं चाहता हूँ मेरी सारी फैमिली ऐश करे। चाहे मैं अकेला कमा लूँ कोई दिक्कत नहीं, पर लड़ाई झगड़ा मत करो भाई तुम, है ना। तो कह रही अगर तू वहाँ से उसको निकलवाता है तो जिम्मेवारी तेरी है, कल ना वो लड़ाई झगड़ा करे, कलेश करे, कुछ भी है, मगर आप टेंशन मत लो, मैं संभाल लूँगा। फ़ोन काट दिया, मेरे पास नंबर नहीं आया। फिर गोलू ने फ़ोन किया, और गोलू बोली भाभी ये बात 4 तारीख की है, 6 को बर्थडे था। तो मैंने कहा भाभी एक काम करो, आप नशा मुक्ति का नंबर दे दो, हम निकलवा रहे हैं, और टेंशन मत लो, बच्चे का बर्थडे यही चाहते हैं कि सब एक हो जाए। मैंने नशा मुक्ति वाले से बात की, बोला हेलो अरमान बोल रहा हूँ भाई, कुलदीप का भाई। तो कह रहे कैसे हो भाई साहब, मैं बोला बढ़िया हूँ। तो मैं बोला एक काम करो भाई साहब, कुलदीप को ना आप चंडीगढ़ ले आओ और उसको यहाँ छोड़ दो। कह रहे ठीक है भाई साहब। थोड़ी देर बाद फ़ोन आता उसके कि भाई 14,000 पेंडिंग है इसके। तो मैंने बोला उन्होंने नहीं दिए। कह रहे ना उन्होंने नहीं दिए, चलो मैं बोला मैं कर देता हूँ। ठीक है, कर दिया। वहाँ से कालू नशा मुक्ति में था, तो मैंने कालू को सुनाया, मैं सुधर जा भाई, पैसे पेड़ों पे नहीं लगते, ठीक है। अभी 14,000 दे के तेरे को बाहर निकलवा रहा हूँ, और उससे पहले भी भाभी ने दिए थे पिछले महीने पैसे। मतलब पेड़ पे नहीं लगते, अगर वो पैसे ये आदमी खुद अपने बच्चों पे लगाए तो बच्चे पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। क्योंकि पूरे घर का खर्चा एक तरफ, और मेरे भाई अकेले का खर्चा एक तरफ, नशों को लेकर उससे भी दुगना। तो भाई वो उसने क्या किया, वो चंडीगढ़ की तरफ आने की वजह से उसने गाड़ी घुमा ली हरियाणा की तरफ से, और वो घर रुक गया। और जो नशा मुक्ति वाले थे उनको पागल बना के भाग गया वो वहाँ से। उनको बोलता है कि मैं कल चला जाऊँगा बेटी के साथ, आज फैमिली से मिलना, आप चले जाओ। तो उनका फ़ोन आ गया, भाई तेरा भाई ऐसे ऐसे भाग गया, ये है वो है। मैंने उसको फ़ोन किया, मैं हाँ भाई। उसने बहुत प्यार से बात की, भाई कई दिन में आया हूँ, संदीप गरा रुकूँगा और बच्चों से मिल के कल सुबह आ जाऊँगा मैं। चल भाई तू कल सुबह आ जा। तो कल सुबह उसका फ़ोन नहीं उठा रहा भाई साहब मेरा। भाभी को कॉल कर रहा हूँ, भाभी फ़ोन नहीं उठा रही। हमारा जो गोलू है जो मेरे सामने बड़ा हुआ है, वो फ़ोन नहीं उठा रहा। चलो भाई उस दिन क्या हुआ था गोलू भाई? मैं बता नहीं सकती। उस दिन भाभी को मैंने कॉल करा, मैंने कहा भाभी एक बार बात कर लो, ठीक है। भाभी ने मुझे मैसेज किया, 5 मिनट रुक, मेरे पास अभी भी मैसेज है। मैंने भाभी को 12-15 फ़ोन करे, पर भाभी ने फ़ोन नहीं उठाया, एक भी फ़ोन नहीं उठाया। और 5 मिनट किया, बहुत देर तक भाभी का वेट किया, पर भाभी ने नहीं उठाया भाई फ़ोन। तो मतलब कहने का मतलब ये है भाई कि हमारा खून ना पानी नहीं हुआ। मेरी माँ जब मेरे मतलब गोडे में ना सर मतलब रख के दम तोड़ रही थी, मेरी माँ के ना एक ही बात थी कि अपनी पूरी फैमिली का ध्यान रखे। तो मेरा खून ना पानी नहीं हुआ, मैं सबका ध्यान रखता हूँ, और मुझे कोई ज़रूरत नहीं उनका ध्यान रखने की। बस ये है कि भाई आज मैं इतना सक्षम हूँ, जितना उनका महीने का खर्चा है उतना, मतलब भगवान ना करे, मैं बड़े बोल नहीं बोल रहा, उतना शायद मेरे दिन का खर्चा होगा। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं अगर उनका कर भी रहा हूँ तो। ना भाभी आई और ना अपना भैया कुलदीप भाई आए।
और सपना की शायद तबीयत खराब थी, सपना भी नहीं आई। पर सपना दीदी का देखो मेरे को कॉल आ गया था, सपना दीदी ने विश किया, जैद को फोन आ गया था कि गोलू मेरी बेटी मेरी तबीयत खराब है। मैंने कहा कोई बात नहीं सपना दीदी, तबीयत बड़ी जरूरी है, आप अपना ध्यान रखो, कोई बात नहीं, हम जैद के बर्थडे पे नहीं आए, अयान तुबा के बर्थडे पे आ जाना। तो कहती चलो ठीक है ठीक है। उसके बाद कहा सुनी हुई थोड़ी बहुत भाभी से मेरी, है ना, चीज़ें, चलो भाई कोई नहीं है, कोई बात नहीं ना है। उसके बाद फ़ोन आता कुलदीप का, पहले भाभी का मैसेज आता है कि मैं तेरा घर घुर छोड़ आई हूँ, तेरे फोन फान सब फेंक आई हूँ और तेरी स्कूटी स्काटी वहीं खड़ी है, संभाल ली हूँ, ठीक है। उस टाइम से टेंशन होगी दिमाग में, क्योंकि मैं दिल्ली आया हुआ था, मेरे शूट थे, बहुत सारी चीज़ें थी तो जो मैं व्लॉग में भी नहीं दिखाई। तो उस टाइम फिर मैंने कालू को फ़ोन किया, तो उसने नशे कर रखे थे, फुल तगड़े नशे कर रखे, तो उसने मुझे बहुत सारी गालियाँ बकी, ये वो एक्स वाई जेड। तो भाई दिमाग में फतूर, क्योंकि मुझे सुबह जाना था 7 बजे शूट पे, पूरी रात में जागा। उसके बाद मैं यहाँ से दिल्ली से हरियाणा पहुँचा रात को 4:30 बजे। 4:30 बजे पहुँच के मैंने उसको नशा मुक्ति में डलवाया, 2 फोन स्कूटी किसी के हाथ दी कि भाई भाभी को बोल देना कि भाई ब्लॉग व्लॉग बनाते रहे, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो देखो 1 रुपया नहीं चाहिए, उनका ब्लॉग उनकी चीज़ें उन्हीं के हाथ में, ये नहीं कि मैं उनका रेवेन्यू खाता हूँ, बिल्कुल नहीं खाता, ये बात वो अच्छे से बता देंगे, ठीक है। फिर वहाँ से मैं निकला और मैं यहाँ दिल्ली पहुँचता हूँ, मतलब 2 घंटे में दिल्ली पहुँच गया, मतलब 7:45 बजे के आसपास पहुँचा। मतलब मेरी आँखों में नींद, रात की नींद, उससे पीछे की नींद, मैं मुंह हाथ धो के अपने शूट पे पहुँचा और फिर मैसेज करा, फिर भी मेरा फ़ोन नहीं उठाया, फ़ोन बंद था उस टाइम भी। मतलब इतना चीज़ें ख़राब, मतलब मुझे ये नहीं समझ में आता कि इंसान को घमंड किस चीज़ का भाई। अगर आज मैं कहता हूँ वो मेरी जगह हूँ, वो तो भाई भगवान से भी बात ना करे, चलो हम तो घर के हैं, अगर मेरी लड़ाई झगड़ा मेरी बहनों से है या मेरे भाई से है, फिर कुछ भी है, मैं हर टाइम फ़ोन उठाता हूँ कि भगवान ना करे उनके साथ कोई दिक्कत ना हो जाए। आज हमारी भाभी बोलते कि तूने क्या रहा है, क्या है 5-7 हज़ार रुपये दिए हमारे, मेरे बच्चे तूने प्राइवेट स्कूलों में थोड़ी पढ़ रहे हैं, सरकारी नौकरी थोड़ी है। देखो भाभी मेरी औकात नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तुम्हारे लिए 1 रुपये का नहीं किया और ना मुझसे होता, ये 2 जोड़े हाथ, आप खुश रहो, आपकी फैमिली खुश रहे और आपके बेटे को देख के कोई नहीं जलता भाभी, ठीक है, वो हमारी भी औलाद है, कोई नहीं जलता, हम तो ये बोलेंगे आप आगे बढ़ो। और जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, मैंने जब उनका ये वीडियो देखी और वीडियो देखने के बाद जब मैंने उसके कमेंट पढ़े, बहुत सारे लोग उल्टी सीधी बातें उनको सुना रहे हैं, तो भाई समझ लो आप मुझे सुना रहे, क्योंकि ना वो देखो मेरी माँ है ना, तो आप ना उसको मत सुनाओ कुछ भी। तो अभी उनको समझ नहीं इन चीज़ों की, क्या बोलना होता है क्या नहीं बोलना होता, तो आप कुछ भी मत सुनाओ, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप सुनाओगे तो कल को फिर वो वीडियो बना देंगे, वो बोलेंगे कि भाई मैं कमेंट करवा रहा हूँ, मैं उल्टा सीधा बुलवा रहा हूँ। तो मेरी बिल्कुल भी इच्छा ही नहीं है कि आप मेरी फैमिली को उल्टा सीधा बोलो, आप मुझे बोलो उल्टा सीधा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं सदियों से सुनता आ रहा हूँ उल्टा सीधा, पर ना आप किसी भी हमारे घर की लेडीज़ को आप उल्टा सीधा ना बोलो। अगर आज मेरा भाई ढंग का होता, जितनी बार वो नशा मुक्ति गया है उतने पैसों में करोड़ों रुपए का वो बिज़नेस कर लेता, उसके लिए क्या नहीं किया मैंने, कपड़ों का शोरूम खुलवा के दिया, जो उसने मांगा वो चीज़ें दी, मतलब जो उसने मुंह से निकाला वो चीज़ें मैंने की, पर वो नहीं सुधर रहा, मेरी क्या गलती बोलूँ। कोई गलती नहीं, और देखो आपके भी क्या फॉल्ट है, आपका यही था कि यार 6 तारीख को बच्चे का बर्थडे है, आपके दिल में ये था कि यार मेरा पूरा परिवार एक बार इकट्ठे हो जाए, बड़ा अच्छा दिन है, सारे बैठ के जो भी चीज़ें गिले शिकवे सब दूर कर लेंगे। और भाभी को भी यही था कि चल कालू भैया आ गए, अब कालू भैया जैसे ही बाहर आते हैं, पहले बताऊँ गाइस क्या होता था, मैं कुछ बातें हम नहीं बता पाते ना कैमरे में, पहले होता था जब कालू भैया नशा मुक्ति से बाहर आते थे ना, वो 1-2 महीने ठीक रहते थे, हमारे साथ रहते थे चंद्र विहार में, दिल्ली में, चंडीगढ़ में, सही रहते थे, फिर उसके बाद वो जब हंसी जाते ना तब वो नशे की तरफ जाते थे, पर अब क्या होता है जैसे ही वो निकलते हैं वो दो दिन के अंदर घर की ऐसी हालत कर देते हैं, बच्चों की भाभी की ऐसी हालत कर देते हैं, वो सारी चीज़ें ख़राब कर देते हैं। पर क्या देखो दिल होता है ना इंसान का, भाई है, भाई का प्यार तो देखो होगा, वो कैसे अपना तो भाई प्यार, मैं एक बात बोलूँगा, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं अपने भाई को कुछ नहीं होने दूंगा, चाहे वो रोज़ नशा करे या दिन रात नशा करे, ना तो मैं उसको मरने दूंगा, चाहे मुझे नशा मुक्ति डालना पड़े, कमरे में बंद करके रखना पड़े, मैं उसको कुछ नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैंने अपने घर में भैया 4 मौतें अपने आँखों के आगे देखी है, दादा की देखी, दादी की देखी, पापा की देखी, मम्मी की देखी, इन्हीं कंधों पे उठाए, तो भाई अब मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अपने भाई की लाश इन कंधों पे उठाऊँ, उसके लिए जो कुछ भी करना पड़े, मतलब कुछ भी करना पड़े, अब वो उसके खून में रम गया नशा, वो नहीं छोड़ पा रहा, और सबसे बड़ी गलती है कि इनको हाँसी जाएँ रहते वो शहर छोड़ना चाहिए। और मेरी सरकार से ना हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जितनी भी सरकार है हमारी, तो इंडिया से ये ड्रग्स बंद कराओ, ये ड्रग्स जब तक रहेगी ना पता नहीं कितनी फैमिलियाँ, कितने रिश्ते, कितने लोग ख़त्म हो जाएंगे। नहीं यार देखो पता है क्या होता है, कौन नहीं चाहता, मैं ये बोलूँगी कौन नहीं चाहता, ये जो ज़िंदगी हम जी रहे हैं, हम हर एक चीज़, हर मतलब हम जिस मुकाम पर पहुँचे
ठीक हो कि पापा भी चाहते कि मेरा भाई भी सब कुछ एंजॉय करे, हर जगह घूमे, पर कालू भी नहीं सुधरते, इनकी भी क्या गलती है। आज 24 घंटे सूरज मेरे साथ रहता है, अगर मेरा भाई भी मेरे साथ रहे मुझे कितना अच्छा लगेगा। हर जगह मैं जाता हूँ, बड़े बड़े इवेंट में मैं जाता हूँ, क्या मुझे खुशी नहीं होगी मेरा भाई जाए? पर मेरा भाई क्या करता है ना, हर जगह जाता है, लोगों के नंबर ले लेता है, उनसे बोलता है संदीप बीमार हो गया, आपको अरमान से मिलवाने के मैं पैसे ले लूँगा, मतलब इतने लोगों के पैसे उसने ले रखे हैं सोशल मीडिया पे आके। अब मेरी भाभी कहेगी तू तो उसकी बेइज्जती कर रहा है। नहीं, बेइज्जती नहीं कर रहा, जो उसका जो नशा है ना वो ये चीज़ें करवाता है। वैसे बहुत अच्छे से पता भाभी, कालू जैसा आदमी ज़िंदगी में होना ही नहीं है, जितना वो ईमानदार है, सब चीज़ें हैं, नज़र का अच्छा है, पर जो उसका नशा है ना वो चीज़ें ख़राब करवा रहा है। और जो आज आपने हरकत करी ना कि भाई संदीप ने करा ही क्या है, तो भाभी मेरी हिम्मत नहीं है करने की, ना मेरी औकात, ऊपर वाले ने जितना मुझसे करवाया मैंने तुम्हारा कर दिया। और मैं तो यही बोलूँगा तुम खुश रहो, आगे बढ़ो, गोलू को बोल भाई और अच्छा कर। मैंने 50 बारी बोला गोलू को चंडीगढ़ भेज दो, उसको एडिटिंग सिखाएंगे, वो चीज़ें सिखाएंगे, बहुत सारी चीज़ें करेंगे, हंसी छोड़ दो। तो भाभी आज की दुनिया में किसी ने इतना ठेका नहीं रखा। इन्होंने ये तक बोल दिया, इन्होंने सपना दीदी हो, सुनीता दीदी हो, सरोज भाभी ये तक बोल दिया कि भाई हमारे फ्लैट आ जाओ, हमारे फ्लैट में रहो, तुम्हें कुछ नहीं करना, अपना सामान उठा के लाना, जो कपड़े लेके ना, कपड़े नहीं भी लेके ना तब भी मत लेके आओ, सब कुछ तुम्हें मिलेगा, बस यहाँ पे रह लो। पर चलो ठीक है, वो नहीं रह पाते, वो उनकी फॉल्ट है। अब चीज़ें इतनी ख़राब हो गई है ना, तो भाभी को बस यही है कि भाभी थोड़ा सा बस अपनी ईगो पे काम करो, जब कोई चीज़ किसी को बोलो तो सोच के बोलो कि उसने हमारे लिए किया क्या है। अगर आज तुमने भाभी, जब मैं छोटा था ना, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया, तू मेरी माँ की तरह है, जैसे अपना गोलू है वैसे मैं हूँ, तूने बहुत कुछ किया, मेरे कपड़े धोए, मेरे को बच्चों की तरह रखा, और वही पूरी ज़िंदगी एहसान रहेगा और हमेशा ही हमारा सिर झुका रहेगा। गुस्से में मैं अगर उल्टा सीधा बोलता हूँ तो बस ये समझ लो ये कुलदीप की वजह से है जो मैं बोलता हूँ। बाकी तुम खुश रहो, आगे बढ़ो, और हमेशा मैं साथ में ही हूँ, तुम मुझे कितना उल्टा सीधा बोल लो, मैंने कुछ नहीं किया ना मेरी हिम्मत करने की, बस मैं तो कहूँगा आगे बढ़ो। और कभी भी जरूरत हो ना एक बार आवाज़ मार दियो, तेरे लिए वैसे संदीप था जैसे अभी है। तो जितने लोग हैं सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भाई, उनको कमेंट में गाली गलोच उल्टा सीधा मत बोलो, बचपना है उनका, उनको नहीं पता होता क्या बोलना होता है क्या नहीं बोलना होता, लोग मज़े लेने के लिए होते हैं। बस ये बोलूँगा मेरा भाई जल्दी सुधर जाए और पूरा घर संभाल ले। नमस्ते।